यूपी में चुनावों की बात हो और इसमें बाहुबलियों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर बाहुबलियों का जमा खर्च देखा जाए तो राजा भैया का न्यूट्रल रहना सपा के लिए फायदेमंद रहा, जबकि धनंजय सिंह के खुले समर्थन के बाद भी जौनपुर में बीजेपी की नैया पार नहीं लग सकी। इससे एक तरह से धनंजय का असर भी कम होता देखा जा रहा है। चुनाव शुरू होने से पहले राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी पार्टी प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से प्रत्याशी उतरे। दोनों ही जगहों पर राजा भैया का दबदबा माना जाता है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त उन्होंने अपना मन बदल लिया और कहा कि वो इस चुनाव में ना तो प्रत्याशी उतारेंगे और ना ही किसी का समर्थन करेंगे। लोग जिसे चुनना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं। राजा भैया ने खुद के न्यूट्रल रहने की घोषणा भले ही सार्वजनिक तौर पर की थी, लेकिन जानकारों की माने तो भीतर खाने वो सपा को सपोर्ट कर रहे थे। राजा भैया का समर्थन या उनका न्यूट्रल रहना, जो भी कहा जाए, सपा के समीकरणों को रास आया और दोनों ही जगहों पर सपा अपने उम्मीदवार जिता पाने में सफल रही। वहीं बात करें धनंजय की, तो पहले तो उनकी पत्नी ने बसपा से टिकट पर पर्चा भरा था, लेकिन बाद में धनंजय के सुर बदल गए। धनंजय का आरोप है कि बसपा ने उनकी पत्नी का टिकट काटा, जबकि बसपा का कहना है कि धनंजय ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। नामांकन के आखिरी दिन तत्कालीन सांसद श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में आ गए। इसके बाद धनंजय ने बीजेपी को खुले समर्थन का ऐलान किया, खूब प्रचार भी किया, लेकिन बीजेपी की नैया पार नहीं लग सकी। पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह को राजा भैया का करीबी माना जाता है। सुल्तानपुर सीट पर चुनाव के दौरान सोनू सिंह सपा में शामिल हो गए। कहा जाता है कि ऐसा राजा भैया के इशारे पर ही हुआ। इसका असर चुनाव में ये रहा कि मेनका गांधी चुनाव हार गई। सोनू सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों के वोट सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद के पक्ष में पड़वाए, इससे मेनका को काफी नुकसान हुआ। वहीं मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के एक बयान ने चुनाव का रुख मोड़ दिया। राजा भैया पर दिया गया उनका बयान राजा भैया की नाराजगी की वजह बन गई थी। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान किया था। एक वक्त तो अनुप्रिया का चुनाव फंसता हुआ दिख रहा था, इसे राजा भैया के विरोध का असर कहा जा रहा था। हालांकि अनुप्रिया अपना चुनाव जीत गई। इस तरह से देखा जाए तो सुल्तानपुर में जहां राजा भैया का असर परिणाम में बदला, वहीं मिर्जापुर में वो कामयाब नहीं हुए। लोकसभा चुनावों में राजा भैया का रुख देखने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश के साथ आएंगे। हालांकि इस पर फिलहाल पार्टी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि अगर सपा चुनाव तक और मजबूती से उभरती दिखती है तो शायद दोनों में बात बन जाए। राजा भैया अपने प्रभाव वाली सीटों पर सपा के साथ गठजोड़ करके प्रत्याशी उतार सकते हैं। वहीं धनंजय की बात करें तो इस चुनाव में समर्थन तक ही वो बीजेपी के साथ थे, इसके आगे वो अपने प्रभाव क्षेत्र वाली मलहनी में ही लगे रहे। हो सकता है बीजेपी इस सीट पर उन्हें पर्दे के पीछे से सपोर्ट करे।